कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी भी बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। ये रेसिपी है जनाब बीफ कोफ्ते की। हम लोग आज बना रहे हैं बीफ कोफ्ता करी, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। मेरे पास 1/2 kg बीफ मिंस है। आप लोग चाहें तो लैम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं और मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिन्हें इस तरीके से कट कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून जीरा है, कुटा हुआ जीरा। 1 टीस्पून कोरिएंडर है, ये भी कुटा हुआ है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। 2 टेबल स्पून बेसन है और थोड़ा सा ये धनिया चाहिए होगा। दैट्स इट। सबसे पहले हम एक चॉपर मशीन में ये प्याज है ये डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसे ऐड कर लेंगे। ये ग्रीन चिलीज हैं, ये हम 2 से 3 ये डाल लेते हैं। ये छोटी वाली हैं, बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए मैंने 2 से 3 यूज़ करी हूँ। अगर आप लोग बड़ी मिर्चें यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम चॉप कर लेंगे। निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। प्याज हमारी अच्छी सी ये चॉप हो गई है, देखिए बारीक हो गई है। अब हम इसमें जो है वो मिंस वो ऐड करते हैं। ठीक है, कीमा, ये मेरे पास बारीक पिसा हुआ कीमा है, बारीक लेना है हमने। और इसे तकरीबन मैंने 1 घंटे पहले अच्छा सा वॉश करके इस तरह स्टेनर में रख लिया था। सारा पानी जो है इसका अच्छे से ड्रेन आउट हो गया, पानी नहीं इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब इस कीमे को हम प्याज में ऐड कर लेते हैं, बारीक पिसा हुआ। देखिए ठीक है, सारा हमने कीमा इसमें ऐड कर लिया। अब जो बाकी स्पाइसेस हैं हमारे पास वो सारे हम डालते हैं। देखिएगा, ये ज़ीरा है कुटा हुआ 1 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ये डाल लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया और नमक, कोरिएंडर और सॉल्ट ये शामिल किया हमने। रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और बेसन ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करके मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसे चॉप कर लेते हैं। बहुत अच्छा हमने करना है, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ मैं थोड़ा सा इसे निकाल लेती हूँ और 2 हिस्सों में करके ना अच्छा सा हमने इसे करना है मिक्स, हाफ हाफ करके हम कर लेते हैं। चेक करते हैं। इस तरह हमने फिर धनिया भी इसमें शामिल करके अच्छा सा हमने इसको पीस लिया। ये देखिएगा, बारीक हमने बनाना है। ठीक है, अब हम इनकी बॉल्स बना लेते हैं। देखिएगा, अच्छे से पहले हमने इसे मिक्स कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। इसे मिक्स कर लेंगे। हाथ को हम ऑयल से, हल्का सा ऑयल लगाया और इसे हमने अपने हाथ को इसे ग्रीस कर लिया ताकि स्टिक ना हो। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बॉल जो साइज आपने लेना हो अपनी मर्जी का आप ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हम करके दोनों हाथों को इस तरह से हमने बनाना है। ये देखिएगा, एक कोफ्ता ये हमारा डन हो गया। हम दूसरा बना लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा भी हमने इसी तरह से जितना बनाना हो उतना हम ले लेंगे कीमा।
इस तरीके से दोनों हाथों में इस तरह से हमने बनाना है। मेक श्योर कर लीजिएगा इसमें कोई क्रैक वगैरह ना हो। इसमें अगर पानी नहीं होगा ना कीमे में तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारे अच्छे बनेंगे। बस थोड़ी सी दो तीन टिप्स हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। ये देखिए दूसरा हमारा रेडी हो गया। ये देखें एक और इसी तरह, पहले हाथ में इस तरह करना है, अब कैमरे में देखिए इस तरीके। ये देखिए हमारे गॉर्डन हो गए। देखिएगा ये हमारे सारे बन गए, रेडी हो गए। अब हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप की तैयारी कर लेते हैं कोफ्ता करी की। तो इसमें यहाँ मेरे पास ये तीन मीडियम साइज के प्याज हैं जिन्हें इस तरीके से कट कर लिया है। धनिया है, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ऑयल चाहिए होगा, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 कप दही है, दैट्स इट। लाइक मान रही, सबसे पहले तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल है इसमें डाल लेते हैं हम। ऑयल थोड़ा सा हीट अप होता है तो हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर लेते हैं। अभी हमारे पास प्याज है, ये हम इसमें डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह मान रही, फ्लेम हमने अभी हाई रखा हुआ है। यहाँ हम प्याज ये हाई फ्लेम हमने रखा हुआ है, इस पर हम फ्राई करें और हमने इसे क्रिस्पी सा बनाना है तो इसलिए हमने फ्लेम पहले हाई रखा हुआ है, फिर हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 से 4 मिनट फ्लेम हाई रखा हुआ था, हाई फ्लेम पे हमने इसे किया फ्राई। अब जब इसे कलर आना शुरू हुआ तो फ्लेम हमने लो करके बिल्कुल अब हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो गई है। हमने बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करना, बस इतना कलर ये हमारी डन है। प्याज हमने इस तरीके से ब्राउन करके और मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। इसी पैन में देखिए ये ऑयल है जिसमें से हमने प्याज को निकाला था, इसी में हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे हल्का सा फ्राई करते हैं कि हमारा गार्लिक हो रहा है अच्छे से फ्राई। बस इसी पॉइंट पे हम इसमें अपने बाकी जो मसाले हैं ये डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे स्पाइसेस डाल लेंगे। कोरिएंडर पाउडर, फ्लेम हमने थोड़ा कम कर दिया है। सॉल्ट और जीरा पाउडर डाल लेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये हमने सारे स्पाइसेस इसमें डाले हैं, इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लिया। वैसे ही मिक्स हुए हैं, बस अब हम साथ ही ये मेरे पास एक तकरीबन थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल जरा सा, सिर्फ मसाला ना जले इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे, बस इतना ही। ये भी हमने इसलिए डाला है कि हमारे जो है वो मसाला ना इसमें जले। देखिए दही यहाँ ना हमने बहुत अच्छा से इसे फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स वगैरह ना रहे, फिर हम इसे मसाले में ऐड करते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से हो रहा है, अभी जो दही था हमने बहुत अच्छा सा इसे फेंटा था, अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले में ऐड कर देंगे और इसे अच्छा से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे अच्छा से मिक्स करके थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। इसे अच्छा से इसमें पकाएंगे ताकि दही और मसाला अच्छा से मिक्स हो जाए। लेकिन जो मेरे पास प्याज थी जिसे फ्राई किया था हमने, फिर अच्छा से इसे पेस्ट इसका बना लिया है। अब हम इसको अपने मसाले में ऐड करते हैं। 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए, अब फ्लेम को मैं कम करके
इसमें प्याज ऐड करेंगे। रहमान रहीम, अभी जो प्याज है इसमें डाल लेते हैं, फ्लेम कम कर दिया है हमने। बाकी भी जो हमारी प्याज है ये भी हम इसमें सारी ऐड कर लेते हैं, इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसे भी इसमें फ्राई करते हैं ताकि प्याज, हमारा दही, मसाला बहुत अच्छी तरह सब मिक्स होकर फ्राई हो जाए। इसका मसाला जितना अच्छा कोफ्ते का फ्राई होगा, हमारे कोफ्ते इंशाल्लाह उतने ही अच्छे बनेंगे। दो से तीन मिनट हो रहे हैं इसे फ्राई करते हुए, दो मिनट हम इसे और करेंगे। ऑयल नजर आना शुरू हो रहा है, इट मीन्स कि फ्राई हो रहा है अच्छा सा। ये 5 से 6 मिनट हो रहे हैं इसे फ्राई करते हुए। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें हम। ये 7 से 8 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए, मसाला हमारा अच्छा सा भून गया है। देखें, अब इस पॉइंट पे हमने जितनी ग्रेवी रखनी है ना, हम उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा, अब इसमें पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, कप में पानी है। थोड़ा सा मैं इसमें और डालूंगी, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब फ्लेम हाई कर दिए, हाई फ्लेम पे इसे थोड़ी देर तक बनाएंगे। तकरीबन मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है और फ्लेम हाई रख के अब हम इसे पकाएंगे। साथ ही इसमें ये हरी मिर्चें ये हम ऐड कर देते हैं। हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसे अच्छा से पनते हुए। पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, हमने जितनी ग्रेवी रखनी होगी उस हिसाब से जो है उतना हम उसे पकाएंगे। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसे और थिक करूंगी, देन फिर इस पर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। देखिए, इस तरह की कंडीशन में इतना हमने थिक रखा है और फ्लेम बिल्कुल स्लो किया हुआ है हमने ना, बिल्कुल लास्ट पे हम रख के अब इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। अब इसमें कोफ्ते डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आराम आराम से हम सारे कोफ्ते इसमें रखते जाएंगे। और इस पॉइंट पे हमने चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना है इसमें थोड़ी देर तक। कोफ्ते डालने के बाद अब थोड़ा सा फ्लेम हमने हाई किया है, अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे, फिर हम इसका फ्लेम कम कर देंगे और फिर इसे लिड लगा के बनाएंगे। लेकिन इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। अभी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो रहे हैं। अब इसे पकड़ के हम हल्का सा इस तरह से हिला लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसका फ्लेम कम कर देते हैं स्लो करके और फिर इसे पकाएंगे। कम करके गरम मसाला पाउडर ये इसमें हम डाल लेते हैं और लिड लगा के इसे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रखते हैं और चेक कर लेते हैं। फिर इसे दम पे रख दिए। ये देखिएगा हमारी मजेदार सी ये कोफ्ता करी। का लुक देखिएगा, इतना हमने इसे ठीक रखा है। आप लोग अगर ज़्यादा चाहें तो इसे ज़्यादा कर लें। हमारा कोफ्ते हमारे रेडी हैं।
ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस अब आप इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारे कोफ्ते ज़रा भी नहीं टूटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा हमारी मज़ेदार सी बीफ कोफ्ता करी रेडी है। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये देखिएगा। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चलते चलते आखिरी बात, खुश रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।